खड़ा, बीच में खड़ा हूँ बच्चे विशाल। अभी बच्चों से रूबरू होंगे, इंट्रोडक्शन उनके साथ इंट्रोडक्शन मैम और हमारे सेफ मैम एफ सी एम मैम सभी स्ट्रॉन्ग हुए। ऊपर सर, हमारे स्कूल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे हेड मैडम वो मुबारक हो आपको इस महफिल में वालों, जरा नसीबी हमारी है आपका शुक्रिया। इस जमी के गोशे गोशे को महकाने वालों, हमारे तमाम स्टाफ की तरफ से और बच्चों की तरफ से आपका इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत। उनके साथ मैडम डिप्टी डायरेक्टर मिसेस मैगजिन गोरकी मैडम और उनके साथ प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर मिस्टर राकेश शर्मा जी, एक्स प्रेसिडेंट हमारे रविंदर शर्मा जी, पार्क वगैरह आ रहे हैं। सत्यदीप के द्वारा और स्टाफ मेंबर के द्वारा
सेकेंड फेज ऑफ माई टोन माई प्राइड है कि पहले फेज में भी वो था माई टोन माई प्राइड। तो ये जन अभियान जो है 28 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। तो ये आज हमारे जो डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं, डॉक्टर मुश्ताक साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सेंटर इंफॉर्मेशन के, उन्होंने उनका यहाँ पे विजिटिंग ऑफिसर है हमारी म्यूनसिपल लखनपुर में। तो इनका यहाँ पे जो जन अभियान है लोगों को जागृत करना और हमारे पूरे टाउन का सिटी प्लान जो होता है, एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ द जो जम्मू कश्मीर की म्यूनसिपलिटी जो है, उन्होंने आज 6-7 दिन से हमारी डिप्टी डायरेक्टर भी जहाँ UL की यहाँ पे है, क्योंकि पूरा प्लान जो उन्होंने डिस्कशन किया और जितनी भी स्कीम्स वगैरह है, जितने भी जो हॉर्टिकल्चर के एग्रीकल्चर के जितने भी स्टॉल जहाँ लगे हुए, जन अवेयरनेस जो जितने भी लोग आए थे उनका तक जो स्कीम्स को पहुँचाना, बाकी सिटी प्लान्स होते हैं हमारे जो 7 प्लान है सिटी के, हेरिटेज हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, नशा मुक्त हो गया, पॉलीथीन प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति हो गया, हमारे शहर में साफ़ सफाई का अभियान कैसे होना चाहिए, हमारा देश जो हमारा टाउन जो नशा मुक्त कैसे होना चाहिए, किस तरह से ग्रीनिंग का प्लान है, वो हर प्लान जो है डिस्कशन किए जा रहे हैं। और इन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव प्रोग्राम है ये। इसके बाद इन्होंने पूरा अभियान जो है हर मंथली मीटिंग होगी और रिव्यू होता है कि ये कहते हैं कई बार कई लोग मैं सुन रहा था मीडियम के माध्यम से कि माई टोन माई प्राइड बैक टू विलेज प्रोग्राम, ऐसे कहीं ना कहीं हमें लगता है कोई चेंज आती है जब, तो एक जो डिपार्टमेंट के लोग आते हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं उनको भी एक पता चलता है कि व्हाट इज़ द ड्यूटी अबाउट द हमारा डिपार्टमेंट के प्रति क्या ड्यूटीज़ है, क्या हमारा रोल है, उनको भी एक एनर्जेटिक होता है। जैसे स्कूल में विजिट किया, एजुकेशन में उन्होंने देखा कि हमारे जो जितना भी म्यूनसिपलिटी एरिया है कैसा डिवेलप होना चाहिए, कैसा लेन ड्रेन सिस्टम होना चाहिए, कहाँ कहाँ हमारा क्रीमेशन ग्राउंड होने चाहिए, कहाँ कहाँ डार्क पॉइंट हैं, कहाँ कहाँ हमारे पानी की समस्या है, वो सब ये है जितना भी है। एक यूनिक प्रोग्राम, सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे इंट्री प्रोजेक्ट है, क्योंकि स्टेट जो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ से स्टार्ट होती है प्रवेश द्वार लखनपुर से। तो इस म्यूनसिपलिटी को हम 7 मेंबर जो है लग के जो है एक मॉडर्नाइज जो प्लान है वो हमने बना दिया, इनको दे दिया है। तो मैं इनका वेलकम करता हूँ, आज ये हमारे यहाँ पे आए हुए हैं सबका, ऑफिसर इनका, आप सबका, मीडिया कर्मियों का जो आप दर्शा रहे हो साहब यहाँ पे, आज म्यूनसिपलिटी कमेटी में जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं इसके लिए जितने भी आए उनका हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप सबको पता है कि जो हमारा माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम जो सभी म्यूनसिपैलिटीज में जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो उसी के तहत 2 दिन का जो कार्यक्रम रखा था कि लास्ट में विजिटिंग ऑफिसर्स आएंगे, तो जो हमें 7 प्लान्स गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, जैसे ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, हेरिटेज, कल्चर, इकॉनमी कैसे बढ़ाई जाए, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं, तो उसी के सिलसिले में हमें हमारे लखनपुर में जो विजिटिंग ऑफिसर्स हैं वो हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से हैं। तो आज वो आए तो आप सबके सामने देखा कि हमने पहले तो स्वनिधि योजना के तहत अनएम्प्लॉयमेंट जो कार्ड बांटे, स्वनिधि के पत्र बांटे, उसके बाद लॉ पास बुक्स, जो लैंड रेवेन्यू की बुक्स थी लोगों को वो दी गई, उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी की इंस्पेक्शन की गई। तो अभी स्कूल में भी एक एक्टिविटी है, तो आज सारा दिन ऐसे ही रहेगा, डेवलपमेंट में चर्चा होगी और कल का दौर भी यही रहेगा कि सभी प्लान्स पर जो हमारी बातचीत होगी और जो हमने प्लान बनाए हैं वो जैसे जो अपने विजिटिंग ऑफिसर्स आए हैं जो हमारी सारी मांगे लेकर सरकार के आगे रखेंगे। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार पॉजिटिव वे से सरकार इस बार माई टाउन माई प्राइड का कार्यक्रम चला रही है, तो मैं समझता हूँ कि सभी शहरों के लिए ये एक अच्छी बात होगी।